मोर प्रिय संग मैंने आई थिंक आपण मैंने बहुत ही भलि थी आउ पढ़ापढ़ी भी बहुत ही सुंदर भाव में चली थी। तो आज क्वेश्चन नंबर वन कौन पचारि आम बर्तमान कहवापी जाऊँ। तो क्वेश्चन नंबर आमको पचार क्वेश्चन नंबर वन पचार कौन पचार आम करवा। तो क्वेश्चन नंबर वन मन रखिए जे क्यों बाष्पटी भूमंडलीय तापमात्रा वृद्धिपाई मुख्यतः दायी बोली पचारि। क्वेश्चन कौन पचारि क्यों बाष्पटी भूमंडलीय तापमात्रा वृद्धि पाई मुख्यतः दायी बोली पचारि क्यों बाष्पटी। तो यार सठिक उत्तर कौन है ना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इम्पोर्टेंट अटे अंगारकाम्ल यहाँ भूमंडलीय तापमात्रा वृद्धि पाई दायी अटे। तापर कार्बन मोनोक्साइड कहले कौन अम्लजान कौन नाइट्रोजन आमको क्वेश्चन पचारे आम वायुमंडल सब अधिक परिमाण में क्यों उपादान रही तेल आम मैंने कौन कर गैस टी रही पचार वायुमंडल सबुठ अधिक परिमाण में क्यों गैस टी रही है उत्तर कौन कर जबक्षारजान उद्जान नाइट्रोजन जो मैंने कही थूँ आते परसेंट रही 78% मन रखे अम्लजान के परसेंट रही 21% रही वायुमंडल आमको क्वेश्चन पचार पृथ्वीर क्रस्ट्रे पृथ्वीर क्रस्ट्रे आमर सबुठ अधिक परिमाण में क्यों उपादान टी रही पचार आम मैंने कौन कर ऑक्सीजन कर क्रस्ट्रे आम मैंने जो चलाबुला कर जगह ऑक्सीजन अत परसेंट अच्छी 46% अच्छी। तो सबुठ अधिक परिमाण में क्रस्ट्रे क्यों उपादान टी रही अम्लजान रही कौन रही अम्लजान यटा को मन रखी जदि अम्लजान नाल आम मैंने केमी बंच। तो ये ऑप्शन गुड़क टे देखिक भलसे टे देखे बहुत ही इम्पोर्टेंट अटे। परवर्त क्वेश्चन पचार जे परेशर सजीव आ निर्जीव उपादान गुड़िक मध्यरे थिबा पारस्परिक प्रक्रिया को डैश कहा जाए पचार क्वेश्चन आमको पचारे परेशर सजीव आ निर्जीव उपादान गुड़िक मध्यरे थिबा पारस्परिक प्रक्रिया को कौन कहा जाए इकोसिस्टम बोली कहा जाए कौन कहा जाए इकोसिस्टम कहा जाए परिसंस्था बोली कहा जाए बहुत ही इम्पोर्टेंट। तापर इकोलोजी कहले कौन तापर इकोलोजिकल पिरामिड कहले कौन तो ये टी देख बहुत ही इम्पोर्टेंट अटे। परवर्ती क्वेश्चन पचारे परवर्ती क्वेश्चन आमको पचारे मीनामाता डिजीज वाज कोस्ड बाय क्वेश्चन पचारे जलरे डैश प्रदूषण हेतु मीनामाता रोग होता है पचारे जलरे डैश प्रदूषण हेतु मीनामाता रोग होता है पचारे उत्तर कौन कह मर्क्यूरी कह कौन कर मर्क्यूरी हो सठिक उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन पचारे 4 नंबर क्वेश्चन पचारे आज क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कौन पचारे ना एकक समय एक स्थान बास करुवा सामान प्रजातिर जीव संख्या समष्टि को डैश कहा जाए पचार क्वेश्चन को बुझाप चेस्ट करी एकक समय एक स्थान बसवास करुवा सामान प्रजातिर जीव संख्यार समष्टि को कौन कहा कम्युनिटी कौन कह इधरे जनसंख्या कहनी कौन कह कम्युनिटी कहज ठीक अच्छे तपर इकोसिस्टम कहले कौन तपर इकोलोजी कहले कौन पपुलेसन कहले कौन यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट अटे ये रिविजन कर ठीक अच्छे। परवर्त क्वेश्चन पचारे चिपको आंदोलन नेतृत्व किए थे पचारे चिपको आंदोलन नेतृत्व किए थे सुंदरलाल बहुगुणा कर कौन कर सुंदरलाल बहुगुणा। परवर्त क्वेश्चन पचारे परवर्त क्वेश्चन पचारे आमको जो क्यों बाष्पटी ओजन स्तर ह्रास मुख्यतः दायी ओजन स्तर ह्रास मुख्यतः क्यों गैस टी क्यों बाष्पटी दायी अटे पचारे आम यार सठिक उत्तर कौन कर सी एफ सी कह कौन कर सी एफ सी बा क्लोरो फ्लोरो कार्बन कर कौन कर क्लोरो फ्लोरो कार्बन तापर कार्बन डाइऑक्साइड कौन तापर सल्फर डाइऑक्साइड कौन तापर नाइट्रोजन कौन युड़क भी देखी थी। परवर्त क्वेश्चन आमको पचारे जे क्यों वर्ष सुनामी होता पचारे क्यों वर्ष सुनामी होता। तो 2004 मसीहार होता 2004 करदेव। परवर्त क्वेश्चन पचारे एकक जीवर से मानकर परेश अध्ययन को डैश कहा जाए पचार एकक जीवर से मानकर परेश अध्ययन को कौन कह जाए आम मैंने कौन कर एकक वाय अच्छी एकक बुझाप चेषा करी एकक जीवर माने आम ऑटो इकोलोजी कह जदि व्यष्टिगत जदि था व्यष्टि गोटे व्यष्टि जीवर से मानकर परेश अध्ययन को आम कौन कह समि कह समि परेशिका सैनेटिकोलोजी आम कह कि एकक जीवर अच्छी मानने ऑटो इकोलोजी करवा जदि गोटे व्यष्टिगत जीवर था
एथिरे लेखा थांता ताले माने को कहि थांता साइने टुकु साइने साइने इकोलोजी हम कहि थांते तापर इगुडी को कोन कोन परिसंस्था विज्ञान कहली कोन इकोसिस्टम इकोलोजी कहली कोन इगुडी को टिके देखि देतबो तापर हम को क्वेश्चन पचारी छी केते प्रकार वयस पिरामिड अछि एज पिरामिड केते प्रकार अछि बोली हम को क्वेश्चन पचारी छी एज पिरामिड केते प्रकार अछि बोली पचारी छी तो यार सठिक उत्तर कोन कहिबा तीन प्रकार रही छी केते प्रकार तीन प्रकार परवर्ती क्वेश्चन पचारी छी जे आणविक शक्ति उत्पादन करिवा पई के पदार्थ को व्यवहार करा जाय बोली पचारी छी आणविक शक्ति उत्पादन करिवा पई के पदार्थ को व्यवहार करा जाय ताले यार सठिक उत्तर कोन कहिबा सठिक उत्तर हिजबो युरानियम कोन युरानियम होछि सठिक उत्तर परवर्ती क्वेश्चन हमको पचारी छी परवर्ती क्वेश्चन पचारी छी जे निम्नलिखित मधेरु केउटी को सेंडेराय सेकेंडरी वायु प्रदूषक को कहा जाय बोली पचारी छी कौन पचारि क्वेश्चन निम्नलिखित मध्य के सेकेंडरी वायु प्रदूषक बोली कह जाए बोली पचारि तो सेकेंडरी कौन लगुच आपको यार सठिक उत्तर कौन हो ओजन ओजन हूँ सेकेंडरी बहुत इम्पोर्टेंट ओजन कहले कौन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन तापर कार्बन मोनोक्साइड कौन युगुड़ी भी जानवा बहुत इम्पोर्टेंट परवर्त क्वेश्चन पचारि वायुमंडल के स्तर ओजन अवस्थित बोली पचारि ओजन आमर ट्रोपोस्फियर कौन अच्छी आम मैंने जो चलाबुला करुचु जोटा कि पापाग गुड़िक देखा देते मेघ देखा देते यहाँ को आम कौन कह ट्रोपोस्फियर बोली कही था स्ट्राटोस्फियर जोटार कि एरोप्लेन जाए आठाए ओजन स्तर भी रही ठीक अच्छे तो यहाँ हो सठिक उत्तर स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर यार अगर नाम आयनोस्फियर जोटा कि रेडियो वेव्स गुड़क रही रेडियो वेव्स गुड़िक रही आयन गुड़िक रही तेणुकर यहाँ कौन कहुए आयनोस्फियर भी कह जाए ठीक अच्छे तापर थर्मोस्फियर देखो थर्मोस्फियर अन्य नाम देखो देखो मेसोस्फियर आम ट्रोपोस्फियर रही स्ट्राटोस्फियर तापर मेसोस्फियर तापर थर्मोस्फियर तो यहाँ आयनोस्फियर कह जाए देखो ट्रोपोस्फियर रही प्रथम तापर स्ट्राटोस्फियर रही पटे मेसोस्फियर रही तार उपर पटे आम थर्मोस्फियर रही ठीक अच्छे यहाँ को आयनोस्फियर कह जाटा आयनोस्फियर कह जाए थर्मोस्फियर अन्य नाम कौन आयनोस्फियर यहाँ को मन रखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अटे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे जमार कन्फ्यूजन है आठार आयन गुड़िक रही है रेडियो वेव्स गुड़िक रही है थर्मोस्फियर थर्मोस्फियर अन्य नाम हो आयनोस्फियर ठीक अच्छे तो परवर्त क्वेश्चन आमको पचारि कौन पचारि के प्रकार प्रजाति गुड़िक केवल निर्दिष्ट स्थान में दृष्टमान होती देखा जाती के प्रकार प्रजाति गुड़िक केवल निर्दिष्ट स्थान में देखा जाती ताहले आम यार सठिक उत्तर कौन कहिबा यार सठिक उत्तर हो स्थानीय करिबो कौन करिबो एंडेमिक वा स्थानीय स्थानीय प्रकार प्रजाति गुड़िक केवल निर्दिष्ट स्थान में देखा होतापुर आम क्वेश्चन पचारि जे क्योंटि भारत सब बड़ जंगल संरक्षण आंदोलन अटे बोली पचारि ताहले आम मैंने यार सठिक उत्तर कौन करिबा सबुठ चिपको आंदोलन करेंगे कौन करेंगे चिपको आंदोलन परवर्ती क्वेश्चन आमको पचारि जे डैश पुस्तक शंकाकूल प्रजातिर जीव मान तालिका लिपिबद्ध होली पचारि के पुस्तक शंकाकूल प्रजातिर जीव मान तालिका लिपिबद्ध हो पचारि बहुत ही इम्पोर्टेंट अटे रेड डाटा बुक कर कौन कर रेड डाटा बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट अटे तापर परवर्त क्वेश्चन पचारि आईटा को भी मन रख साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक रचयिता किए यहाँ भी मन रख बहुत ही इम्पोर्टेंट अटे ये करते कमेंट करके जन परवर्त क्वेश्चन आमको पचारि द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम आमको क्वेश्चन पचारि परिसंस्था शक्तिर मुख्य उत्स डैश अटे पचारि किए अटे सूर्य कौन कर सन परवर्त क्वेश्चन तापर पचारि आमको परवर्त क्वेश्चन पचारि जे परेशर के उपादान अश्वमंडल सहित जड़ित पचारि परेशर के उपादान अश्वमंडल सहित जड़ित पचारि जदि आमको एमती क्वेश्चन दिया दिज्व ताल आम मैंने यार सठिक उत्तर कौन कर जल कह ठीक अच्छे यठार जल लेखा था कट हो तो सठिक उत्तर कौन कर व्वाटर हो सठिक उत्तर परवर्त क्वेश्चन आमको पचारि प्रत वर्ष के दिन विश्व परेश दिवस पालन करें क्यों दिन को आम विश्व परेश दिवस रूप पालन कर जून पाँच कह कर जून पाँच हो सठिक उत्तर अप्सन नंबर ए कह परवर्ती क्वेश्चन आमको पचारि परवर्ती क्वेश्चन पचारि पिरामिड केते प्रकार बोली पचारि
क्वेश्चन पचारे परिवेशीय पिरामिड के प्रकार जदि आमको क्वेश्चन दिजा एमती ताल आम मैंने सठिक उत्तर कौन करन प्रकार रही है केते प्रकार तीन प्रकार रही परिवेशीय पिरामिड। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा परवर्ती क्वेश्चन पचार अश्म मंडल आभ्यंतरण स्तर होश ताल यार सठिक उत्तर कौन कह लिथोस्फीयर आभ्यंतरण स्तर कौन अटे लिथोस्फीयर भीतर स्तर जदि आम देखा यार सठिक उत्तर कौन है इनर लेयर पचार मैंने भीतर स्तर प्रथम लिथोस्फीयर रही जदि आम देखा ऊपरपटे कौन रही क्रस्ट रही है तलपटे मांटाल रही है तलपटे कोर रही है तो यार सठिक उत्तर कौन है मांटाल हो सठिक उत्तर मांटाल आमको क्वेश्चन पचार सियाल को कौन कहुए सियाल को सियाल अन्य नाम कौन सियाल अन्य नाम देखु क्रस्ट क्रस्ट पचार जमार कन्फ्यूजन हुए नहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको ये भितर को भी पचार कि जान था बहुत ही इम्पोर्टेंट काम देव क्रस्ट अन्य नाम हूँ सियाल कहीं सिलिकॉन आउ एल्युमिनियम परिमाण यठार अधिक रही है ठीक अच्छे तापर मांटाल को सीमा बोली कह जाए कौन कह जाए सीमा यठार सिलिकॉन आउ मैग्नीशियम रही है कोर्रे कोर्र अन्य नाम हूँ निफे कहीं निफे कह जाए यठार सबुठ अधिक परिमाण कौन रही है निकेल आउ फेरस रही है तेणुक यहाँ निफे कह जाए क्रस्ट अन्य नाम हूँ सियाल मांटाल अन्य नाम हूँ सीमा आउ कोर्र अन्य नाम हूँ निफे क्रस्ट रे सिलिकॉन आउ एल्युमिनियम परिमाण अधिक रही है मांटाल रे सिलिकॉन आउ मैग्नीशियम आ कोर रे निकेल आउ फेरस एठार लुहार परिमाण सब अधिक अच्छी मन रखे आमको क्वेश्चन पचारे क्यों ठीक लुहार परिमाण अधिक उत्तर कौन कर कोर रे आम पृथ्वीर क्रस्ट रे सबुठ अधिक परिमाण में कौन रही किए उपादान ऑक्सीजन कर अम्लजान कितने परसेंट 46% बहुत इम्पोर्टेंट। परवर्त क्वेश्चन आमको पचार परवर्ती क्वेश्चन आमको पचारे वन्यजीव मानू से मानकर प्राकृतिक बासस्थल संरक्षित रखा डैश कह जाए पचार वन्यजीव मानू से मानकर प्राकृतिक बासस्थल सुरक्षित रखा कौन कह जाए पचार सुरक्षित रखा मैंने कौन कह इनसीटू कंजरभेशन कह कहवा स्वपरिवेशीय संरक्षण बोली कह इनसीटू कहले कौन एक्सीटू कहले कौन तापर नेचुरल कन्जरभेशन युग को भी मन रखा पड़ा कृत्रिम संरक्षण प्राकृतिक संरक्षण बाह्य परिवेश संरक्षण को आम कौन कह एक्सीटू कन्वर्सेसन कही था स्वपरिवेशीय संरक्षण को इंग्राजी कौन कह इनसीटू बोली कही था तो क्वेश्चन आमको पचारे वन्यजीव मानू से प्राकृतिक बासस्थल सुरक्षित रखा मैंने कौन कह इनसीटू बोली कह परवर्त क्वेश्चन पचार कौन पचारे निम्नलिखित मध्य क्यों गोटे प्राकृत मनुष्यकृत विपर्जय बोली पचारे निम्नलिखित मध्य क्यों गोटे मनुष्यकृत विपर्जय बोली पचारे कौटा मनुष्यकृत बात्या तो यहाँ प्राकृतिक अटे भूकंप भी प्राकृतिक अटे तापर बनिया बनिया भी तो प्राकृतिक अटे ताल कौन है सठिक उत्तर जोटा बाकी रहा जोटा अलग अच्छी आणविक दुर्घटना हो सठिक उत्तर कौन हो न्यूक्लियर एक्सीडेंट होवर्त क्वेश्चन पचारक क्षेत्रफल विशिष्ट गोटे एकक क्षेत्रफल विशिष्ट अंचल एक निर्दिष्ट सीमा मध्य बास कर कौन सी जातिर जीव मान संख्या को डैश कह जाए पचारे ताल यार सठिक उत्तर कौन है पपुलेसन सैज बोली कह कौन कह जनसंख्या आकर बोली कह एकक क्षेत्रफल विशिष्ट अंचल एक निर्दिष्ट सीमा मध्य बास कर कौन सी जातिर जीव मान संख्या को कौन कह जाए पपुलेसन सैज बोली कह जाए जनसंख्या आकार मन रखे जनसंख्या घनत्व कहले कौन जन्महार मृत्युहार परीक्षार आसब ही आसब सियोर सट परवर्त क्वेश्चन पचार जे चिपको आंदोलन डैश मसीह आरंभ होता पचार केवे होता उतर कर 1973 हूँ सठिक उत्तर परवर्त क्वेश्चन पचार पृथ्वी से शतकड़ा केत भाग लुणी जल अच्छी आमर सल्टी वाटर केत परसेंट रही 97% किंतु जदि आमको क्वेश्चन पचारिद फ्रेश व्टर के आमको पचार मधुर जल के परसेंट अच्छी लेस देन 3% करते परसेंट 3% अच्छी मधुर जल फ्रेश व्टर एक मन रख परवर्त क्वेश्चन पचारे निम्नलिखित मध्य क्यों स्वभोजी उदाहरण बोली पचार स्वभोजी उदाहरण अटे पचारे क्यों अटे यार सठिक उत्तर कौन है
ସବୁଜ ସ୍ୱଭୋଜିର ଉଦାହରଣ। ସ୍ୱଭୋଜି କାହାକୁ, ଯିଏ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱଭୋଜି ବୋଲି କହିଥାଉ। ହରିଣ, ହରିଣ ତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସାପ ବି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସିଂହ ବି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ? ସେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନେବ, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେବ, ତାପରେ ଚେରରେ ସେ କ'ଣ ନେବ, ପାଣି ନେବ, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ସ୍ୱଭୋଜି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱଭୋଜିର ଉଦାହରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, କ'ଣ ପଚାରିଛି, କେଉଁ ପରିବେଶବିତ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରିସଂସ୍ଥା ଉକ୍ତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ପରିସଂସ୍ଥା ଯଦି ଆମକୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଇଜି ଟ୍ରାନ୍ସଲେ କରିବା, କ'ଣ କରିବା, ଇଜି ଟ୍ରାନ୍ସଲେ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ଯଦି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଏମିତି ତାହେଲେ ଆମେ ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିବା, ମନେ ରଖିବ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ତ ହୋଇନଥାଏ, ତାପରେ ରେନ୍, ଏସିଡ୍ ରେନ୍, ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ହୁଏ କି, ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ତ ହୁଏନି, ତାପରେ ଓଜନ ସ୍ତର ହ୍ରାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବ, ସୁପୋଷକ, କ'ଣ କରିବ, ଓଟ୍ରୋଫିକେସନ୍ କରିବ, ଓଟ୍ରୋଫିକେସନ୍, ସୁପୋଷକ ହୋଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସୁପୋଷକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି, କିଏ ପରିବେଶୀୟ ପିରାମିଡ଼ ଶବ୍ଦ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବ, ଚାର୍ଲସ୍ ଏଲଟନ୍ କରିବ, କ'ଣ କରିବ, ଚାର୍ଲସ୍ ଏଲଟନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ବର୍ଷ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବା, 1986 କରିବା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1986 ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜଳ ଆଇନ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ଜଳ ଆଇନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଜଳ ଆଇନ 1974 କରିଦେବ। ଯଦି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ବାୟୁ ଆଇନ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ତାହେଲେ 1981 କରିଦେବ। ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରିବ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1986, ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ କେବେ ହୋଇଥିଲା, 1980 କରିଦେବ। ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଉତ୍ତର ବି ସେମିତି କରିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଆମେମାନେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ସଂଯୋଗ ଜନିତ ଜଟିଳତାକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ। ଯଦି ଆମକୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ, ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ସଂଯୋଗ ଜନିତ ଜଟିଳତାକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ସହିତ ଯେଉଁଟା ପଚାରିଛି ଆମକୁ, ତାକୁ ତ ଇକୋଲୋଜି ବୋଲି କୁହାଯିବନି, ତାପରେ ପରିବେଶୀୟ ପିରାମିଡ଼ ବି କୁହାଯିବନି, ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତର ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ଫୁଡ଼ ୱେଭ୍, ଖାଦ୍ୟ ଜାଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତ ଖାଦ୍ୟ ଜାଲି କହିଦେବ। ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ସଂଯୋଗ ଜନିତ ଜଟିଳତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଜାଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ପ୍ଲେଗ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାସ୍ ରୋଗ ଅଟେ, ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଟେ ବୋଲି ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ଲେଗ୍ ଏଇଟା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଅଟେ କି ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଅଟେ। ପ୍ଲେଗ୍ ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଲୋକରେ ହେଲା ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଖକୁ ଡେଗି ଯିବ ହେଲା ସେଇ ରୋଗଟା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଖରେ, ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପାଖରେ ଥିବ, ସେଇଟା କିଛି ଡେଇଁବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ପ୍ଲେଗ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କମ୍ୟୁନିକେବୁଲ୍ ଅଟେ, କମ୍ୟୁନିକେବୁଲ୍ ଅଟେ, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଅଟେ, ମନେ ରଖିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଣସଂକ୍ରାମକ, ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କ୍ୟାନ୍ସର ପଚାରିବ, କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଟେ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବ, ନନ୍ କମ୍ୟୁନିକେବୁଲ୍ କରିବ, ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ଆଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପଚାରିଲେ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ତ ସଂକ୍ରାମକ ଅଟେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ପୁଷ୍କରିଣୀ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଜୈବ ଭାର ପିରାମିଡ଼ କେଉଁ ଆକାର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି ଆମକୁ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ବିପରୀତ ହୋଇଥାଏ, କ'ଣ କରିବ, ବିପରୀତ, ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କରିବ। ପୁଷ୍କରିଣୀ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଜୈବ ଭାର ପିରାମିଡ଼ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ବିପରୀତ କରିବ, କ'ଣ କରିବ, ବିପରୀତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୋଟିକ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବୋଲି ପଚାରିଛି, କେଉଁଟି ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବୋଲି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆମକୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିବା, ବସନ୍ତ, ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ, ଏଇଟା ତ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଅଟେ,
हईजा भी संक्रामक रोग अटे जखमा भी संक्रामक रोग आउटा रहा हार्ट डिजीज हृदय रोग यहाँ अणसंक्रामक रोग अटे ठीक अच्छे परवर्त क्वेश्चन आम पचार सबुज उद्भिद क्यों प्रकार वायुमंडल अंगार काम्ल को व्यवहार करे पचार सबुज उद्भिद क्यों प्रक्रिय वायुमंडल अंगार काम्ल को व्यवहार करे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट उत्तर कौन कर फोटोसिंथेसिस कर आलोक श्लेषण प्रक्रिय से खाद्य या व्यवहार कर जिनको मन रखापी पड़ो सबुज उद्भिद आलोक श्लेषण प्रक्रिय वायुमंडल अंगार काम्ल को व्यवहार कै आ खाद्य या ठीक अच्छे परवर्त क्वेश्चन आमको पचार क्योंटी मृत्तिका प्रदूषण कारण नुहे पचार मृत्तिका प्रदूषण क्योंटी कारण नुहे पचार कीटनाशक तो अटे तापर रासायनिक सार भी अटे मृत्तिका प्रदूषण कारण अटे तापर जैव सार भी अटे कौटा ना भारी धातु नुहे कौन करेवी मेटाल्स भारी धातु नुहे इटा मृत्तिका प्रदूषण कारण नुहे तो परवर्ती क्वेश्चन आमको पचार एक निर्दिष्ट समय रे कौन सी जीव संख्या रे नुआ जन्म ने जीव मान संख्या को डैश कह जाए पचार क्वेश्चन को बुझाप चेष्टा कर एक निर्दिष्ट समय रे कौन सी जीव संख्यार नुआ जन्म ने जीव मान संख्या को कौन कह जाए नुआ जन्म ने मैंने जन्म हार कह जन्म हार क्या कह जाए जनसंख्यार घनत्व क्या कह जाए मृत्यु हार क्या कह जाए इटा मन रखिए बहुत इम्पोर्टेंट अटे ठीक अच्छे परवर्ती क्वेश्चन आमको पचार निम्नलिखित मध्य क्योंटी एक नवीकरण अयोग्य प्राकृतिक संपद बोली पचार नवीकरण अयोग्य प्राकृतिक संपद जोटा कि सरीज जो जिनको व्यवहार कले सरीज कौन कही था नवीकरण अयोग्य प्राकृतिक संपद बोली कही था नवीकरण योग्य जहाँ को व्यवहार कले सर ना ठीक अच्छे नवीकरण योग्य बोली कही था तो क्वेश्चन पचार निम्नलिखित मध्य क्योंकि गोटे नवीकरण अयोग्य प्राकृतिक संपद बोली पचार जंगल तो सर ना ठीक अच्छे इटा नवीकरण योग्य अटे सौरशक्ति भी सर ना पवन शक्ति होगा इटा भी सर ना वन्य प्राणी भी सर ना ये तीनोटी कौन अटे नवीकरण योग्य संपद अटे आईला कोईला जेबी के सरीज पेट्रोल होगा युग सरीज तो यहाँ को आम कौन कह नवीकरण अयोग्य संपद तो ऑप्शन नंबर सी ही सठिक उत्तर परवर्त क्वेश्चन पचार डैश हूँ शब्द मापर एकक शब्द को आम नएस को कौन मापी था कौन मापी था डेसिबल रे तो डेसिबल हो रहा सठिक उत्तर शब्द को आम कौ जंत्र मापी था कौन मापी था डेसिबल मापी था तो डेसिबल करवर्त क्वेश्चन आमको पचार साइलेंट वैली क्यों राज्य में अवस्थित बोली पचार साइलेंट वैली क्यों राज्य में अवस्थित बोली पचार जदि आमको एमती क्वेश्चन दिया जाव ताले सठिक उत्तर कौन करवा केरल करवा कौन हो केरल हो सठिक उत्तर परवर्त क्वेश्चन पचार परिसंस्था के गोटी उपादान अच्छे पचार परिसंस्था आम दुई गोटी रही गोटे जैव आ गोटे अजैव दुईट बायोटिक आ बायोटिक ठीक अच्छे परवर्त क्वेश्चन आमको पचार क्वेश्चन हूँ जे के वर्ष वन्य जंतु सुरक्षा आईन प्रणीत होता बोली पचार वर्ष वन्य जंतु सुरक्षा आईन प्रणीत होता जदि आमको एमती क्वेश्चन दि जाए सठिक उत्तर आम कौन कर 1972 कह वन्य जंतु सुरक्षा आईन के 1972 सठिक उत्तर हो 1972 जल आईन पचारे 1974 करदे जदि आमको वायु आईन के पचारे 1981 करदे आ जंगल सुरक्षा आईन के 1980 करदे परिवेश सुरक्षा आईन के 1986 करदे परवर्त क्वेश्चन पचार क्वेश्चन पचार वन्य जंतु सुरक्षा आईन 1972 करदे 1972 जीव सठिक उत्तर क्योंटी गोटे नवीकरण योग्य शक्ति उत्सव नवीकरण योग्य बोली पचार क्योंटी जोटा कि व्यवहार कले सर ना कोईला तो सरीज कोईला तो ये नवीकरण योग्य शक्ति उत्स नुहे पेट्रोल भी सरीज जैव गैस भी सरीज बाकी रहा प्राकृतिक गैस यहाँ सर ना तो ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर नेचुरल गैस
ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ପରିବେଶର କେତୋଟି ସ୍ତର ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ପରିବେଶର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖ। ଯଦି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଜଳମଣ୍ଡଳ, ମୃତ୍ତିକା ମଣ୍ଡଳ, ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ ଆମେ ଲେଖିଦେବା। କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କେତୋଟି ସ୍ତର ଅଛି ପରିବେଶର, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା, ପାଞ୍ଚଟି ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ, ଜିଓସ୍ଫିୟର, ବାୟୋସ୍ଫିୟର, କ୍ରାୟୋସ୍ଫିୟର, ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ଏଟମୋସ୍ଫିୟର, ଏମିତି ରହିଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି, ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଏଥିରେ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆମକୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବା, ଟିଥ୍ କରିଦେବା, ଦାନ୍ତରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ଓଜନ ସ୍ତର ଆମକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଓଜନ ସ୍ତର ୟୁଭି ରେଜ୍ କହିବେ, ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ଠାରୁ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେଉଁ ଆସିଥାଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର ଚର୍ମ ଉପରେ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ନା ତାହେଲେ ଚର୍ମ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ଅଟକେଇଥାଏ, ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିକୁ ଅଟକେଇଥାଏ ଓଜନ ସ୍ତରଟା, ସେଠାରେ ଛାଣି ହୋଇକି ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟି। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି, କେଉଁ ବର୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଷ୍ଟକହୋମ୍ ଠାରେ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ କେଉଁ ବର୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଷ୍ଟକହୋମ୍ ଠାରେ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁଠାରେ, କେଉଁ ବର୍ଷ ପଚାରିଛି ଆମକୁ, କ'ଣ ପଚାରିଛି, କେଉଁ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, 1972। କ'ଣ କରିବୁ, 1972 ଜୁନ୍ ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ, ଜୁନ୍ 5, 1972 ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଷ୍ଟକହୋମ୍ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିସାରିଛୁ ପରିବେଶ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ, ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଫୁଲ୍ କଭରେଜ୍ କରିଛୁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ କେଉଁ ବର୍ଷ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଇନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ ଜଳ ଆଇନ କେବେ ଏଇଟା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି, ଜଳ ଆଇନ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ଜଳ ଆଇନ 1974। କ'ଣ କରିବ, ବାୟୁ ଆଇନ ଯଦି ପଚାରିବ 1981, ତାପରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1972 କରିଦେବା, ତାପରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1986 କରିଦେବା, ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ 1980 କରିଦେବା। ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଉତ୍ତର ବି ସେମିତି କରିଦେବା। ତ 1981 କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଆମର, 1981 ବାୟୁ ଆଇନ ହୋଇଥିଲା, 1986 ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ 1972 କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଷ୍ଟକହୋମ୍ ଠାରେ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ବସିଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଯିବ, ପଚାରିଛି ଯେ କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ ବୋଲି ପଚାରିଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଆମର ପିଙ୍ଗଲ କୁହୁଡ଼ି କରିବ, କ'ଣ କରିବ, ପିଙ୍ଗଲ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଫୋଟୋକେମିକାଲ ସ୍ମୋଗ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ହାଉ ମେନି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଆର୍ ଦିଆର୍, ଜୈବ ବିବିଧତା କେତେ ପ୍ରକାର ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଜୈବ ବିବିଧତା ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଛି, 3 ପ୍ରକାର ରହିଛି, କେତେ ପ୍ରକାର, 3 ପ୍ରକାର। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ, ସ୍ପେସିସ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ରହିଛି, ସ୍ପେସିସ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ରହିଛି, ତାପରେ ଜେନେଟିକ୍, ଜେନେଟିକ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ରହିଛି, ତାପରେ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡାଇଭର୍ସିଟି ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି, ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡାଇଭର୍ସିଟି ରହିଛି। ତ ଏତିକି ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଣାଇଯିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ତଳପଟେ ଲିଙ୍କ ରହିଛି। ସୁପ୍ରତନ ପାଇଁ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।